आगे बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं आज देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश के संसद भवन में एक पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। ये वो आज की तस्वीर है। इसके अलावा हुआ ये कि आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस मौके पर ट्विटर पर डॉक्टर अंबेडकर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उन्होंने लिखा, बराबरी, आजादी, भाईचारा और न्याय वो मूल्य थे जिनकी पैरोकारी हमेशा डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। ये वो राहुल गांधी का ट्वीट उन्होंने याद किया। उन्होंने आगे लिखा, वो हमेशा हमारे मार्गदर्शक और ताकत रहेंगे। भारत के संविधान निर्माता को उनके जन्मदिन पर सलाम, राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी ने जो बातें डॉक्टर अंबेडकर के लिए लिखी वो बिल्कुल सही है और पूरा देश भी उन्हें उनके इन्हीं मूल्यों के लिए और संविधान के निर्माण के लिए उनके योगदान के लिए नमन करता है, हमेशा याद रखता है। लेकिन कांग्रेसी डॉक्टर अंबेडकर के इस दुनिया से जाने के बाद तो उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा थे तो कांग्रेस ने उनके साथ क्या व्यवहार किया था, क्या क्या किया था, तो बताएं। लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य हम लोग बताने जा रहे हैं, बहुत दिलचस्प। आमतौर पर लोगों को यही लगता है ना कि भाई उनका पूरा नाम भीमराव अंबेडकर, आपसे भी पूछा जाए संविधान निर्माता कौन, भीमराव अंबेडकर। लेकिन सच ये है कि उनका अपना पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर वो लिखते थे, पूरा नाम रामजी भी था उसमें, भीमराव रामजी अंबेडकर वो लिखते थे। इसी नाम के साथ उन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर भी किए थे, भीमराव राम जी अंबेडकर। वैसे आप समझ गए होंगे अब आगे क्या बताने जा रहा हूं, क्या दिक्कत क्या थी उनके नाम से। हिंदी में किए गए इस हस्ताक्षर में उनका पूरा नाम भीमराव राम जी अंबेडकर लिखा है। हुआ यह 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया था कि सभी सरकारी विभागों और अदालतों में उन्हें उनके पूरे नाम यानी कि डॉक्टर भीमराव राम जी अंबेडकर कहके और लिखकर संबोधित किया जाएगा। कौन परेशान हुआ होगा सोचिए। तब उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का विरोध कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया था। राम जी क्यों, इसमें खासकर वो पार्टियां शामिल थी जो दशकों से दलित और मुसलमानों की एकता के नाम पर राजनीति करती आई हैं। इन पार्टियों को डर था कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम में राम जी जुड़ जाने से उनकी राजनीति को नुकसान ना पहुंचे। जानते थे अब तक आप ये। लेकिन देश की राजनीति ने सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के असली नाम के साथ ही दशकों तक धोखा नहीं किया, बल्कि उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था ना, जिस सम्मान का वो हकदार थे, जो ड्यू था, वो सम्मान भी उन्हें नहीं मिला और वो धोखे का शिकार रहे। इसकी शुरुआत होती है आज, कहानी सुनिएगा, डॉक्टर अंबेडकर और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तल्खी भरे संबंधों के साथ। आमतौर पर माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को अपनी कैबिनेट में शामिल कर उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया। लेकिन सच यह है कि नेहरू ने ऐसा गांधी जी के दबाव में किया था। खैर, हैरानी की बात यह है कि अंबेडकर और नेहरू के बीच रिश्ते कितने तल्ख थे, कितने तल्ख थे, और अंबेडकर किस हद तक नेहरू के आलोचक थे। आज कांग्रेस बड़ी बड़ी छिछी बातें कर रही है, लेकिन अंबेडकर नेहरू के किस हद तक आलोचक थे, रिश्ते कितने तल्ख थे ना, इस तथ्य से जुड़ी कोई ढंग की किताब या लेख मौजूद नहीं है। पर जो कुछ पढ़ा और ढूंढा जा सकता है इससे इतना तो पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर इस बात से खुश नहीं थे कि उस समय कांग्रेस को चलाने वाले तमाम बड़े नेता सिर्फ ऊंची जातियों से आते थे। यानी जो कांग्रेस आज खुद को दलितों का हितैषी बताती है, उसके संचालन में दलितों की हिस्सेदारी ना के बराबर थी, ना के बराबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेखों और भाषणों का संकलन करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामजी, भीमराव रामजी अंबेडकर नाम की एक पुस्तक लिखने वाले, अच्छा पुस्तक का नाम मैं बता देता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम की एक पुस्तक लिखने वाले लेखक और दलित चिंतक वसंत मूल अपनी किताब में लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, कोट अनकोट, डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक एक राजनीतिक क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसकी शुरुआत सामाजिक क्रांति से ना हो।
लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसी सामाजिक क्रांति का प्रयास नहीं किया जिसका उद्देश्य देश से जातीय व्यवस्था को खत्म करना हो। डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों के प्रति नेहरू की नीति से भी बहुत खुश नहीं थे। अंबेडकर कहते थे कि नेहरू का पूरा ध्यान सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा पर रहा है, पूरा ध्यान नेहरू का सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा पर, जबकि उन्हें उन समुदायों को भी ध्यान रखना चाहिए जो हाशिए पर है। अंबेडकर ने पूछा था कि नेहरू ने इन समुदायों के लिए क्या चिंता दिखाई, जरा भी नहीं, जबकि ये वो समुदाय हैं जिन पर मुसलमानों से ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आरक्षण और दलितों के उत्थान के मुद्दे पर ही अंबेडकर नेहरू से नाराज नहीं थे, बल्कि कई मुद्दों पर नेहरू ने अंबेडकर की नहीं सुनी। इन्हीं में से एक था हिंदू कोड बिल, जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था। वो इसे समाज सुधार के सबसे बड़े उपाय के तौर पर देखते थे, लेकिन कांग्रेस के सांसदों को यह बिल रस नहीं आ रहा था। बिल 1947 में ही संसद में पेश कर दिया गया था, हिंदू कोड बिल, इस कहानी को सुनिएगा। लेकिन 1951 तक भी जब यह कांग्रेसियों के विरोध की वजह से पास नहीं हो पाया तो डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 1955 और 1961 में यह बिल टुकड़ों में जैसे तैसे पास हुआ, हिंदू कोड बिल, लेकिन बहुत कमजोर प्रावधानों के साथ। हैरानी की बात यह, जब इस मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया नेहरू कैबिनेट से, तो पंडित नेहरू ने उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। अंबेडकर चाहते थे कि वो संसद में इस तथ्य को बहुत ध्यान से सुनेगा। अंबेडकर चाहते थे कि वो संसद में भाषण देकर अपने इस्तीफे की घोषणा करे, लेकिन तत्कालीन स्पीकर ने उन्हें बोलने की इजाजत, इसकी इजाजत नहीं दी। आप सोचिए, जो कांग्रेस उस समय देश को संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संसद में बोलने से रोक रही थी, बोलने नहीं दे रही थी, वही आज आरोप लगाती है कि उसकी आवाज को संसद में दबाया जाता है और यह संविधान का उल्लंघन है। खैर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर संसद में नहीं बोल पाए, उनको बोलने नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपने वक्तव्य की कॉपी को साथी सांसदों और प्रेस के बीच वितरित कर दिया। ये वो मैं लेकर आया हूं, ये उनका वक्तव्य जो उन्होंने इस्तीफा दिया था जब कानून मंत्री के पद से, उस वक्तव्य की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। और इसमें उन्होंने वो तमाम वजह गिनाई हैं जो कैबिनेट से उनके इस्तीफे के आधार बनी, और इसके कुछ हिस्से जो हैं वो मैं अब आपको पढ़कर सुनाता हूं, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि नेहरू और कांग्रेस की नीतियों ने कैसे डॉक्टर अंबेडकर को ठेस पहुंचाई। ये ऊपर जो लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से अपने त्याग पत्र के स्पष्टीकरण स्वरूप संसद में दिया गया, इसके ऊपर जो लिखा है वो सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, उनको बोलने नहीं दिया गया था संसद में, वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए उन्होंने सदन का परित्याग कर दिया था और अपने वक्तव्य की प्रतियां संसद के सदस्यों और प्रेस में वितरित कर दी थी। मतलब उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया। ये वैसे तो बहुत, हमने जब इसकी रिसर्च करी तो मुख्य तौर पर जो बातें निकल कर आई वो मैं आपको पूरा नहीं पढ़ सकता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अपना त्याग पत्र दिया उसमें वो लिखते हैं, अनुसूचित जाति को कोई भी राहत प्रदान क्यों नहीं की गई नेहरू सरकार में, अनुसूचित जाति, मैंने ऐसी अन्य किसी की भी स्थिति नहीं पाई है। प्रधानमंत्री का संपूर्ण समय, मैं भीमराव अंबेडकर के शब्दों को पढ़ रहा हूं, प्रधानमंत्री का संपूर्ण समय एवं ध्यान मुसलमानों के संरक्षण के लिए समर्पित हो जाता है। नेहरू जी का पूरा ध्यान मुसलमानों के संरक्षण के लिए समर्पित हो जाता है। मैं किसी को भी कुछ कहना नहीं चाहता हूं, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी नहीं। मेरी इच्छा है कि भारत के मुसलमानों को जहां जिस और जैसा चाहिए उन्हें मिलना चाहिए, परंतु ये जानना चाहता हूं कि क्या मुसलमान लोग ही केवल ऐसे हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। नेहरू जी से सवाल, मुसलमानों पर पूरा ध्यान, क्या मुसलमान ही केवल ऐसे हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाइयों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? इन समुदायों के लिए उन्होंने क्या चिंता दर्शाई? केवल इन समुदायों को ही मुसलमानों से अत्यधिक देखरेख और ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें विदेश नीति को लेकर भी है नाराजगी, और इसमें रक्षा नीति को लेकर भी है, हमारा कोई दोस्त मुल्क नहीं बचा है, वो तमाम चीजें। लेकिन नेहरू की तुष्टिकरण की पोल सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोली और उनको सदन में बोलने नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के नेता या सदस्य नहीं थे। भारत में 1947 में जब पहली अंतरिम सरकार बनी तो उन्हें देश का कानून मंत्री बनाया गया, क्योंकि वो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट थे, कानून मंत्री। उन्हें कैबिनेट में भी नेहरू ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि गांधी जी की सलाह पर शामिल किया। 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब
भीमराव रामजी अंबेडकर, अब पूना नाम लीजिएगा आगे से, भीमराव रामजी अंबेडकर ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। सुनिएगा, वो न्यू बॉम्बे लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में थे लेकिन वो चुनाव हार गए। डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जान लगा दी थी। आज अच्छी अच्छी बातें की जा रही है। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए जान लगा दी। 1954 में जब इस सीट पर उपचुनाव हुए तब भी नेहरू ने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए खुद कैंपेन किया, हालांकि वो ये चुनाव भी हार गए थे। अगर कांग्रेस को सच में डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत होती तो शायद उनकी हार के लिए खुद नेहरू उनके खिलाफ फील्डिंग नहीं लगाते। फिर भी कांग्रेस दशकों से डॉक्टर अंबेडकर के नाम की राजनीतिक रॉयल्टी खाती रही है। आज सोनिया गांधी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर एक अंग्रेजी अखबार के लिए लेख लिखा जिसमें वो कहती है कि कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर की विरासत का सम्मान करती है जबकि मौजूदा सरकार संविधान को नष्ट कर रही है। लेकिन आज हम सोनिया गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को डॉक्टर अंबेडकर की विरासत की इतनी ही चिंता है तो फिर आजादी के कई दशक बाद तक भी कांग्रेस की सरकारों ने कभी डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया? अंबेडकर की विरासत को बचाने का दावा करने वाली कांग्रेस ने एक ही परिवार के वारिसों को जीते जी भारत रत्न दिया लेकिन अंबेडकर की याद नहीं आई। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला, आरोप लगते हैं कि उन्होंने खुद को ही जीते जी भारत रत्न दे दिया अपने आप को। 1971 में इंदिरा गांधी भी भारत रत्न से सम्मानित हुई, अपने पिता की तरह वो भी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी को भी मृत्युपरांत मतलब मरने के बाद उनकी शहादत के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला 1990 में, यानी कि उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद। और यह सम्मान भी उन्हें कांग्रेस की सरकार ने नहीं, वीपी सिंह की सरकार ने दिया और इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सरकार से निवेदन किया। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का इरादा डॉक्टर भीमराव और रामजी अंबेडकर की विरासत संभालने का रहा है या सिर्फ अपने परिवार की विरासत को संभालने का। ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं।